ये है पहला रूम। अभी सुबह सुबह का टाइम है, सब सो के उठे हैं, तो ये आप देख सकते हैं इसमें दो सिंगल बेड लगे हुए हैं। और ये वाला जो बेड है, ये जो बेड है ये है मेरी दादी की शादी का बेड, तो इसको आप लगा लीजिए। हो गए होने वाले हो, मतलब 56 इयर्स पुराना बेड है, 56 साल पुराना ये दीवान है। इसको काटा गया था, बहुत बड़ा था ऐसे दादी ने मुझे बताया। तो ये था पहला कमरा और यहाँ फोटो सेशन हो रहा है। बोलो जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। और सभी लोग अब जाने के लिए हो चुके हैं तैयार, बस निकलने वाले हैं। एक दूसरे से मिलना जुलना हो रहा है और गाड़ियों में सामान रख दिया गया है, तो चलते हैं हम यहाँ से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारा लास्ट डे गांव में और हम निकलने वाले हैं इसके बाद घर के लिए। तो अब हम जा रहे हैं बद्रीनाथ जी के दर्शन करने उनके मंदिर में, तो आपको भी ले चलते हैं। आपने वैसे देख लिया होगा पूजा के टाइम हमने आपको दिखाया था, पर हम अभी एक बार फिर से आपको मंदिर दिखाते हैं, तो चलिए। और ये देखिए, ये है बद्रीनाथ जी का मंदिर जो कि हमारे गाँव के देवता हैं। देखिए ये है पूरा मंदिर। तो आइए ले चलते हैं आपको मंदिर के अंदर। चले दे, और ये भी आ गया, इसको बाहर भगाते हुए। कई व्यूवर सोचे कि हमें निकाल दें, इसलिए दिखा दिया। तो ये देखिए बद्रीनाथ जी, जय बद्रीनाथ भगवान की। और ये भी गांव की दादी। और यहाँ एक और दादी से मिलते हुए। ध्यान रखना अपना, ठीक है। अच्छा हमारे वीडियो बना लो। अरे तो हम आ चुके हैं बद्रीनाथ जी के दर्शन करके और अब मैं आपको करवाने वाली हूँ हमारे गांव के घर का टूर। तो ये है एंट्रेंस, यहाँ से हम ऊपर चलेंगे और यहाँ पे रहता है पानी। अभी बहुत सारे आए क्योंकि हम लोग बहुत सारे आए हैं, इसमें बहुत सारे यहाँ पे स्टोर करा हुआ है, यहाँ पे नलका भी है। अभी इसमें पानी नहीं आ रहा, पर उसमें पानी आता है। और फिर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में है वॉशरूम, ठीक है। और यहाँ से हम ऊपर चलते हैं, यहाँ से ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे है ये एरिया जहाँ पे बर्तन वगैरह वॉश किए जाते हैं, सब कुछ यहाँ पे पानी ला के। और ये है चूल्हा जिसमें खाना बनता है और पानी गर्म होता है। अभी सब ऐसे ही बिखरा हुआ है क्योंकि हमने बहुत बहुत सारे लोग हैं, हम तो ऐसे ही इधर उधर उड़ते हैं सामान। और यहाँ से अंदर आते हैं तो ये है पहला रूम। अभी सुबह सुबह का टाइम है, सब सो के उठे हैं, तो ये आप देख सकते हैं इसमें दो सिंगल बेड लगे हुए हैं। और ये वाला जो बेड है, ये जो बेड है ये है मेरी दादी की शादी का बेड, तो इसको आप लगा लीजिए। हो गए होने वाले हो, मतलब 56 इयर्स पुराना बेड है, 56 साल पुराना ये दीवान है। इसको काटा गया था, बहुत बड़ा था ऐसे दादी ने मुझे बताया है। तो ये था पहला कमरा। हम इससे बाहर आते हैं तो यहाँ पे है हमारा किचन। ये है हमारा किचन, ये देखिए अभी सब खा रहे हैं पी रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत सारा हम चाय पी रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत सारा सामान हो रखा है। तो ये देखिए मेरा किचन, यहाँ सारे बर्तन पड़े हुए हैं और वहाँ पे गैस भी है। कभी कभी गैस पे भी खाना बनता है जब चूल्हे में बहुत टाइम लगता है, जैसे ज्यादा लोग हैं तो गैस में भी बनता है। और यहाँ पे भी एक चूल्हा है, देख सकते हैं ये भी एक चूल्हा है। और इससे आगे अगर हम चलते हैं और इससे आगे अगर हम चलते हैं तो ये है हमारी तिबरी। और यहाँ तिबरी में भी दो सिंगल बेड हैं। तिबरी मतलब तिबरी जो बैठक बैठक टाइप होता है, जो ये मतलब मेन
बड़ा वाला रूम जो होता है उसको सिलवरी बोलते हैं। और यहाँ पे भी एक सिंगल बेड है और यहाँ भी एक सिंगल बेड है और यहाँ पे टीवी लगा हुआ है, ये रहा इधर टीवी, यहाँ टीवी है, तो ड्रेसिंग भी है, ड्रेसिंग टेबल भी है। तो दो दादाजी रहते हैं मेरे यहाँ, एक दादाजी उधर की तरफ रहते हैं और इधर की तरफ दूसरे दादाजी रहते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पे है हमारा मंदिर, हमारी देवताओं का स्थान जहाँ हमारे घर के सभी भगवान लोग रहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है, यहाँ पे एक सिंगल बेड है और यहाँ पे एक चारपाई लगा रखी है। सभी व्यूअर्स को दर्शन करवा देते हैं। ये है हमारे घर का मंदिर। जय बद्रीनाथ जी, जय नरसिंह देवता, सब देवताओं की जय। और यहाँ से हमारी चलते हैं, ये है हमारा दूसरा कमरा जिसमें कि अभी बच्चे सो रहे हैं, बच्चे सो भी रहे हैं और अभी बुआ लोग भी सारे आए हुए हैं, चारों बुआएं आई हुई हैं। तो काफी सामान सामान हो रखा है, यूजली इतना सामान नहीं रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी दादी ने इधर जितने भी दाल मसाले वगैरह है सब यहाँ पे संभाल के रख रखे, तो कुछ भी सामान यहाँ पे रख रखा है वो। इससे आगे हम चलेंगे तो बैठने का एरिया, यहाँ सब लोग बैठ के बातें करते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं गमले भी लगाए हैं। और यहाँ से आगे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे है दादी का किचन, मेरा दादी यहाँ काम करती है। ये है दादी का किचन, देखिए काफी बड़ा किचन है, यहाँ सारा सामान, यहाँ पे भी चूल्हा है और यहाँ भी गैस भी है यहाँ पे दोनों चीजों के लिए। तो ये ऊपर का हिस्सा था और हम यहाँ बाहर आते हैं तो यहाँ माल्टे के पेड़ भी हैं। ये है एक माल्टे का पेड़, दूसरा बोरा और तीसरा बोरा। और ये बैक साइड में थोड़ी सी क्यारियां भी देख सकते हैं। तो आए हम उस तरफ से, थे नीचे इधर से उतर रहे हैं, दो रास्ते हैं यहाँ से। गाय के लिए रहती है गाय, और ये देखिए एक और गाय और उस गाय का ये भी घर, दो गाय और ये थोड़ा सा सामान रखने के लिए स्टोर रूम कह सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह रखी हुई है, हल रखा हुआ है, बक्सा, सिलेंडर, एक और बक्सा, अटैचियाँ, तो इसको स्टोर रूम कह सकते हैं हम। तो ये तो है चार गाय इस तरफ। दादाजी हट जा आगे दिखा, ये भी ये कमरा भी। तो यहाँ पे भी गाय बछड़े रहते हैं, देखिए अभी ये बिजी है खा रहे हैं। ये भी गाय बछड़ों का रूम, इधर भी गाय बछड़े रहते हैं, इधर भी गाय बछड़ों के लिए। और ये है स्टोर रूम और यहाँ दूसरे दादाजी का स्टोर रूम, यहाँ पर है बेड लगा हुआ है, सब्जियाँ वगैरह तो सब फैला हुआ है अभी क्योंकि चार पांच दिन से यहाँ पे सभी लोग आ रखे थे। मिल गया मम्मी। तो ये है पूरा घर नीचे ऊपर का, और ये देख सकते हैं बैग पैक हो चुके हैं सबके, तो सभी बस अब करते हैं दादाजी नाश्ता। और यहाँ फोटो सेशन हो रहा है। चलो जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, बोलो निरंकार भगवान की जय, बोलो जालपा देवी की जय, बोलो नरसिंह महाराज की जय। और ये आद्या, आद्या माला माल अपनी फ्रेंड के साथ, गाय जी के साथ। कौन है आद्या? ये गाय जी की बेटी है। हाँ। ये गाय जी आद्या की, और ये गाय जी की बेटी है।
और यहाँ टीका पिठाई होते हुए दिव्या को। यहाँ दादी हमें कुछ देते हुए, बुढ़ी दादी हमें कुछ दे रही है। बुढ़ी दादी दिव्या तो आई हुई, दिव्या को ले श्वेता चलते हैं अब, ठीक है ध्यान रखना अपना। और श्वेता से विदाई लेते हुए, श्वेता बाय बाय कर दे सबको, हेलो कर दे, हेलो हेलो, चल ठीक है ध्यान रखिए अपना, ठीक है फिर मिलेंगे अगली बार। तो बस हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, देख सकते हैं सामान तैयार, बैग उठा लिए सबने और जा रहे हैं हम नीचे जहाँ पर खड़ी है हमारी गाड़ी। अच्छा कोई झगड़ा करते हुए पैसों के लिए और वो कह रही बंटू एक बैग उठा, ये ऊपर से उछाले थे मैंने, मैंने कहा जिसने कैच करा, इस बात पे लड़ रहे हैं कि मैंने करा पहले, मैंने करा। चल गोली बाय, ध्यान रखियो, मैं तैयार हूँ आने के लिए, कोई भेजी नहीं, आजा आजा। अच्छा अच्छा मौली साली रिबू दिव्या ज्योति बुआ बुला रही पीछे, हमारे गलती की बॉन्डी तू भी आई हो, अरे क्या हो गया फिर तू यहाँ तो बंद बात, ये पैर तभी छूती है जब पैसे मिलते हैं, देख लिया सारी वीडियोस में, पहले तो कभी नहीं छूती। तो हमारी ट्रिप तो बहुत अच्छी रही, हमने बहुत एंजॉय करा और अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ, तो ठीक है साहब, ठीक है चलो दादाजी। अच्छा दादाजी तिरंजी आनंद, और ये देखिए पूरा गांव, तो काफी मजा आया मुझे भी, फर्स्ट टाइम मैं पौड़ी गढ़वाल आया और काफी अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। अभी हम जा रहे हैं नीचे और यहाँ कुछ लोग पहले से ही पहुँच चुके हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। यहाँ सारी टोली हमें छोड़ने आई हुई है, देखिए। और सभी लोग अब जाने के लिए हो चुके हैं तैयार, बस निकलने वाले हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना हो रहा है और गाड़ियों में सामान रख दिया गया है, तो चलते हैं हम यहाँ से। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो, दिव्या के गांव के घर का टूर और हमारी यहां से विदाई। आशा करते हैं आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, जिस जिसको पसंद आया अभी लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।